हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी वीर में। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को कैसे पहचाने, क्या होते हैं इसके लक्षण, किस किन लक्षणों से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो चुकी है। गाइज, वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरी तरीके से मैं इसको स्पेसिफाई करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आने वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइज, चलिए बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं। देखिए गाइज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो मेल यानी कि पुरुषों के टेस्टिस जो होते हैं उनके अंदर बनते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, यानी कि आपकी सेक्स ड्राइव बेहतर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उचित मात्रा में आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी होती है तो फिर आपकी सेक्स लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है, आपको सेक्स का वो मज़ा नहीं आ पाता है। तो गाइस, चलिए जानते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए गाइस, इसका सबसे पहला लक्षण होता है थकान का होना, यानी कि आपके शरीर में बहुत ही कम काम करने पर या आप किसी भी कार्य को करते हैं 2 या 5 मिनट के लिए करते हैं और आपको थकान हो जाती है, आप ज़्यादा देर तक कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आपका सबसे पहला लक्षण यही होता है कि अगर आपको थकान हो रही है तो आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो चुकी है। अब चलते हैं गाइस हम इसके दूसरे लक्षण की तरफ। देखिए, शरीर काफ़ी वीक हो जाता है, आपका शरीर वीक हो जाता है यानी कि आप बिल्कुल भी मतलब काम कर ही नहीं पा रहे, आप सुबह सुबह उठ ही नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि काश एक दिन और छुट्टी होती, एक दिन और आराम कर लेते, मतलब शरीर का पूरा वीक हो जाना, आप दुबले पतले हो जाते हो, शरीर में बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हो। तो गाइस, ये दूसरा लक्षण होता है टेस्टोस्टेरोन की कमी का। अब चलते हैं इसके तीसरे लक्षण की तरफ। देखिए, तीसरा लक्षण ये होता है कि जब आप सेक्स करते हैं तब आपका वीर्य, अगर आप चेक करेंगे तो आपका वीर्य बहुत ही पतला हो चुका होगा, और जब आप सेक्स कर रहे होंगे तब आपका सेक्स करने का टाइम जो होता है, टाइमिंग होता है, वो बहुत ही कम हो चुका होगा। इवन आप 1 या 2 मिनट के अंदर ही स्खलित हो जाते होंगे, आपको सेक्स का वो मज़ा नहीं आ पा रहा होगा, तो इसको आप तीसरा लक्षण मान सकते हैं। कहीं चलते हैं हम इसके चौथे लक्षण की तरफ। भाई, चौथा लक्षण ये होता है कि जब आपका सेक्स करते हैं तो आपका लिंग ज़्यादा देर तक तनाव में नहीं रह पाता है, आपके लिंग के अंदर तनाव आना कम हो जाता है या फिर आपकी बॉडी में तनाव से भरी हुई रहती है, आपको किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, किसी भी बात पर गुस्सा होना, ये सभी लक्षण टेस्टोस्टेरोन कमी के कारण ही होते हैं। चलते हैं गाइस इसके अगले लक्षण की तरफ। देखिए, इसके अगले लक्षण में हम देखते हैं तो आपकी याददाश्त काफ़ी कम हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, किसी कार्य को याद नहीं रख पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को अभी हम कहते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, तो ये लक्षण भी टेस्टोस्टेरोन कमी के कारण से दिखाई देते हैं। इसका अगला लक्षण है गाइस, बालों का सफ़ेद होना समय से पहले, बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ रूसिका होना, बालों का वीक होना, आपकी नज़र का कमज़ोर होना, गाइस ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो आपको टेस्टोस्टेरोन कमी के कारण से दिखाई देती हैं और आपका शरीर पूरा वीक हो जाता है। गाइस, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, इन सभी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है टेस्टोस्टेरोन कमी की वजह से, क्योंकि मेल के शरीर में, पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी होती है तो आपको सिर्फ ये बहुत ही कम लक्षण मैंने आपको बताए, इससे ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए गाइस, ये तो हो गया इसके लक्षण, अब हम इसके उपाय जान लेते हैं कि हमें टेस्टोस्टेरोन की कमी को कैसे दूर करना है, कैसे इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करना है, इंक्रीज़ करना है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ, बिना किसी कॉस्ट के, आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी इसकी। देखिए, अश्वगंधा चूर्ण आपको लेना है, किस प्रकार से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए, अश्वगंधा चूर्ण आप पतंजलि का लेकर आइएगा, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है। देखिए, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 85 रुपीज़ होती है, 100 ग्राम का पैकेट आता है, 85 रुपीज़ यानी कि 85 रुपये मात्र, और ये एक पैकेट आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को काफ़ी हद तक बूस्ट कर देगा। लेकिन आप इसका, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप इसके 2 पैकेट यूज़ कीजिए, 2 पैकेट जब तक चलिए आप इसको चलाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिनों तक इसको लेना है। 30 से 40 दिनों तक अगर आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएंगे और इसके काफ़ी सारे आपको अदर फायदे भी मिलेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसको लेना कैसे है। गाइस, आपको करना क्या है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, ऐसा नहीं आप लेट उठें, आपको जल्दी उठ जाना है और सुबह सुबह 1 गिलास गर्म दूध करना है, उसके अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण लेना है। देखिए, अश्वगंधा चूर्ण भी मैं लेकर आया हूँ, इस टाइप का होता है, आपको कितनी क्वान्टिटी में लेना है
इतनी क्वांटिटी में, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसा नहीं है आपकी चम्मच भर के ले ले, शाम को भी खा ले, दिन को भी खा ले, ऐसा करने से अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। आपको बस दवाई के हिसाब से लेना है, इतनी मात्रा में ले लीजिएगा और एक गिलास गर्म दूध के अंदर घोल कर इसको पी जाइएगा। और ये कहीं याद रखिएगा, आपको खाना खाने से कम 2 घंटे पहले इसको यूज़ करना है, भूखे पेट यूज़ करना है, और आपको 30 से 40 दिनों तक यूज़ करना है। अगर आप बढ़ा कर ज़्यादा भी यूज़ करना चाहें तो आप 60 दिनों तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 90 दिनों तक भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका है और नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर देगा। देखिए इसके बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे आपको, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा। देखिए इसको अगर आप टाइम से लेंगे 30 से 40 दिनों तक, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपके अंदर वीकनेस दूर हो जाएगी, आपके अंदर तनाव खत्म हो जाएगा शरीर में, आप बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। आपके लिंग का जो साइज सिकुड़ गया है, आपकी लिंग की नसें जो सिकुड़ गई है, वो वापस अपने तनाव में आना स्टार्ट हो जाएगी और देखिए आपके लिंग के अंदर फुल तनाव आने लग जाएगा, आपका वीर्य भी गाढ़ा हो जाएगा, आपकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाएगी। आपकी सेक्स टाइमिंग जैसे अभी 2 मिनट में आप ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर आपकी सेक्स टाइमिंग धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ कि 25 से 30 मिनट तक हो जाएगी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये नेचुरल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे, इससे आपके बालों को झड़ना बंद हो जाएगा, आपका शरीर पावरफुल बनने लग जाएगा। और अगर आप जिम जाते हैं तो गाइस आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स तगड़े हो जाएंगे, आपके मसल्स में पावर आने लग जाएगी। गाइस बहुत ही अच्छा तरीका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने का। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको नए नए तरीके बताएंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है। मैं अपने वीडियो में हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि किसी का भी कम खर्चे में अच्छा काम हो जाएगा। तो गाइस 85 रुपीज़ लगते हैं, आप एक बार यूज़ कीजिए, 30 से 40 दिनों तक रिज़ल्ट आपके खुद के सामने आएगा, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, मतलब पावर, मतलब मैं कहता हूँ कि आपके शरीर के अंदर ओवरऑल सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप पूरी तरीके से एनर्जी फील महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाएगी, आप किसी कार्य करने में बिल्कुल नहीं थकेंगे। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, एक बार आप इसको यूज़ करना, मेरी बात मानकर एक बार यूज़ करना, फिर आप इसके रिव्यू मेरे कुछ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, नुस्खा कैसा लगा। तो गाइज़ यही था वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा था। थैंक यू गाइज़।